सुबह मॉर्निंग में उठकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशखबर मिली। तो वो खुशखबर क्या है कि भाई हमारे जो पोलर पैरेट है भाई उन्होंने फाइनली ब्रीड कर दिए, मतलब यहाँ पे एग दिए। मैंने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया भाई, अभी आज देखते हो तो यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज है। क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ना टॉर्च लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हो गाइस कितने छोटे छोटे भाई यहाँ पे करीबन है ना 100 के प्लस बेबीज है। तो देख सकते हो उनकी जो फीमेल है ना भाई उनके ऊपर है, और यहाँ पे उनके बिल्कुल ही साइड में यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। मतलब यहाँ पे एक दिए हुए आपको देख सकते हो भाई, यहाँ पे भी एक दो दिन में हैच हो जाएंगे बेबीज। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों बैठे हैं। तो भाई सेटअप के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है भाई, बहुत दिनों से हमारे पोलर पैरेट ब्रीड नहीं कर रहे थे क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा था। आपको पता ही भाई ठंड का मौसम में फिश ब्रीड नहीं करते, तो यार फाइनली अभी ब्रीड किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई आपके जो टैंक है उन सबको ये जो ब्लू कलर है ना भाई नीचे वो दे दो, क्योंकि ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है और ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा। तो भाई मैंने भी सोचा भाई कि यहाँ पे हमारे जितने भी टैंक है सब हम ब्लू कलर कर देंगे, मतलब जो वाटर का कलर है ना भाई बहुत ही अच्छा दिखता है उसमें। तो ठीक है, सिर्फ हम दो टैंक ब्लैक रहने देंगे और इसको पूरा सेटअप ब्लू कर देंगे जब हम फिश रूम में सेट करेंगे तब। तो दोस्तों हमारे जो गिनी पिग्स है, गिनी पिग्स को हम उनका जो चारा है वो दे देते हैं। कि बच्चा वो अभी रैबिट्स को दे देते हैं, हमारा रैबिट है, रैबिट्स ने सॉरी रैबिट है। चल 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 भाई यहाँ पे नीचे बैठा है, चल 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 भाई चल 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 बाहर आ बाहर आ बाहर आ बाहर आ, चल 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 आ जा 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 चल 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 उसको उनका खाना दे देते हैं भाई। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे रखने से अच्छा यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ से अच्छा सा खा लेंगे ये कंफर्टेबल से, इनको इसी आदत होती है भाई खाने की। ओके इधर भी सेम वही करता हूँ, आओ 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 आओ। तो गाइस हमारी जो मुर्गी है भाई इसको घास बड़ी पसंद है यार, और ये दाना खा रहा है और ये घास खा रही है। ठीक देखते हैं हमारी पूरी फौज नीचे आ गई, देख सकते हैं यार। ओए होए 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 वेलकम बैक, हमारी 1,10,000 फैमिली प्लस को मेरा वेलकम। तो जो गप्पी फिश है गप्पी फिश को फीडिंग कर देते हैं भाई, सबसे सैटिस्फाइंग वाला मेरा काम भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई इनको फीडिंग करने, मतलब भाई सबसे फेवरेट वाला ये काम है अब तक का और रहेगा भाई। तो यहाँ पे देखो हमारी गप्पी मुझे यहाँ पे है बड़ी झालो गुड मॉर्निंग करने के लिए आ गई। देखो भाई अभी इनको जल्द से जल्द इनको उनका फीडिंग दे देते हैं। मैं इनको यही फीडिंग दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा मैंने क्रश भी ज़्यादा कर लिया था, तो इसकी वजह से मैं यही डालूंगा इनको थोड़े दिनों तक, फिर बाद में हम इनका फूड चेंज करेंगे और मतलब कुछ डाफनिया वगैरह और कुछ ट्राई करेंगे। मतलब मैं हफ्ते में तो चेंज करते रहता हूँ भाई इनका फूड। तो यहाँ पे हमें अच्छा रिजल्ट भी दिखने लगा है, मतलब बहुत सारे बेबीज भी दिखने लगे हमें गप्पी फिश के। तो ठीक है यार देखते हैं अभी इसको ऐसा कर देता हूँ। ओके मतलब ये यहीं पे रहेगा और यहीं पे खाएंगे और धूप भी सेकेंगे। ये प्लांट्स भी बहुत खिले खिले हो गए, मतलब इनको मैं दिन में एक ही बार पानी डालता हूँ शाम को, शाम के वक्त मतलब जब इवनिंग हो जाती है तब। तो ठीक है मैंने यहाँ पे हमारे सेटअप में एक पिजन ऐड किया, तो देख सकते हो कितना खूबसूरत है। मतलब हमारे जो सब्सक्राइबर है सब्सक्राइबर हमें ये देखे गया भाई ये खूबसूरत लगा तो मैंने इसको रख लिया भाई। देख सकते हो इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी यार। तो मैं सोच रहा था कि ये फीमेल है ये मेल रहेगा ऐसा मुझे लगता है, तो हम इनकी जोड़ी लगा देंगे, नहीं तो मैं इसको आज़ादी करने वाला हूँ वैसे भी। तो देखेंगे यार, जैसे ब्लैक पिजन भी एक छोटा बड़ा है जो कि इसके ही जैसा है, तो इसकी और इसकी जोड़ी लग गई तो अच्छा ही होगा। ठीक है बात ये तो कर लेता हूँ, और हमारे जो ब्लैक पिजन है छोटा बेबी तो उसके पास मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि छोटा बेबी है भैया अभी तक, तो इतना बड़ा नहीं है।
चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, हमारे एलिगेटर गार को खोल लेता हूँ, फिर ये पकड़ तू 2 मिनट। अभी धूप अच्छी है तो ये धूप भी सेक लेगा थोड़ी, इसे धूप भी जरूरी होती है ना भाई, इसे तो मैं इसे अभी थोड़ी देर खोल लेता हूँ। देखो अभी मैंने इसे खोल दिया और यहाँ पे हमारा प्लांट भी मैंने कल लगा दिया था। ओके, और ये भी दो अभी जल्द से जल्द ग्रो हो जाए यार। चलो चलते हैं भाई, दिखा मेरे पास। चल भाई तू नीचे अभी। तो भाई न्यू विजन आपका द डेजी फिश में वेलकम। ओके यार, इसके जो पंख है ना थोड़े बहुत मतलब टेप से बंधे हुए हैं, तो मैं इसके पंख छोड़ देता हूँ पहले और इसे आज़ाद कर देता हूँ। इसके पंख अभी ओपन कर दिया, अभी उड़ जाएगा। देखो भाई गया, ये देखो, ये उसके बिल्कुल ऊपर ही एक बेबी बैठा है ब्लैक कलर का, जो कि इसकी और इसका पेयर अच्छे से लगेगा भाई, क्योंकि वो भी छोटा बच्चा है और ये भी छोटा बच्चा है हमारा। ने एक चीज़ देखी भाई, एक चीज़ नोटिस की है कि जब मुर्गियाँ हैं ना खा रही होती है, तो हमारा जो रैबिट है ना भाई वो वहाँ जाके छुप जाता है मतलब, और जो मुर्गी है ना उसको घास नहीं खाने देती भाई। तो भाई मैं अभी क्या करूँगा, इनको है ना ऐसा मैं बंद करते जाऊँगा, जब रैबिट हमारा घास खाएगा तो मैं उसके केज में ही घास देते जाऊँगा। चलो उधर ही देते भाई, चल भाई चल जल्दी। ये देखो भाई खा लेगा ये, इसे भी बंद कर देता हूँ। ये उन्होंने एक जगह संभाल ली यार, देख सकते हो, यही चाहता था मैं। तो है ना दोस्तों, अभी हो गई है दोपहर और हमारे कमल सॉरी हमारे जो वाटर लिली भाई, वाटर लिली के ऊपर पूरी पूरी धूप आती है, मतलब देखो भाई सीधा धूप आती है। तो इसका कारण हमारी वाटर लिली ज़्यादा ग्रो नहीं होंगी, ऐसा मुझे नर्सरी वाले भाई भी बोले थे कि इसे दिन में सिर्फ 2 ही घंटे धूप मिलनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे सोचा है ना भाई, यहाँ पे कुछ ऐसा बिछा दूँ फिर इसको दोपहर में थोड़ा धूप से बचाया जा सके। और भाई यहाँ पे हमारे गप्पी फिश के बेबीज देख सकते हो, जो कि इस कोने में आकर बैठे हैं और बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं इधर उधर। बाकी देखो यहाँ पे भी बाकी मतलब बहुत सारे बेबीज दे हुए हमारे गप्पी फिश ने। इतनी कड़ी धूप पड़ने लगी भाई, जब पर स्टार्ट हो जाएगा तो भाई क्या ही होगा भाई। अभी तो ठंड का मौसम है भाई, तो भाई आप देख सकते हो इवनिंग हो गई है। और क्या किया था यहाँ पे दोपहर को, ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया था, मतलब हमारा जो वाटर लिली का प्लांट है वो धूप से सुरक्षित रहे। तो भाई अभी मैं निकाल लेता हूँ, ये यहाँ पे कुछ करना होगा भाई तुरंत अर्जेंट, क्योंकि ना भाई ये तो फल फूल रहा है, इसे कुछ नहीं हुआ, बट भाई कुछ नहीं कह सकते यार, क्योंकि बहुत मेहनत की यार मैंने इसके लिए। तो ठीक है अभी मैं ये रख देता हूँ उसकी जगह पे। भाई पूरा पानी पानी हो गया सर डब्बे, देखो हमारी टाकी भर गई ना, सो पूरा पानी पानी हो गया। इसे उसकी जगह पर रख देता हूँ भाई, चला गया। आज थोड़ी खुशखबर है, हमारा जो रेस्क्यू किया हुआ जो पिजन है वाला, अभी मैं हमारे कबूतरों में मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ, क्योंकि बेचारा अभी यहाँ पे अकेला बोर हो चुका होगा और ये अभी ठीक भी हो गया है। तो मैंने सोचा यार इसे आज़ाद करने से पहले ना थोड़े दिन हमारे पिजन्स के साथ रख लूँ, क्योंकि ना इसका जो जख्म है ना भाई अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। अभी पकड़ कर ना हमारे पिजन्स में छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है, देखते हो दोस्तों ये है वो पिजन, और देखो इसको ना यहाँ पे लगी थी भाई, और इसके पैर में ना भाई रिंगा भी भाई, ये पकड़ 2 मिनट पकड़ दो, ऐसा देखो इस पे इसके पैर में देखो ये कुछ ऐसी चीज़ है भाई, तो यहाँ पे उसे लगी थी बट अभी अच्छा हो गया भाई, बहुत ज़्यादा लगा था यार, पूरा फटा हुआ था और यहाँ पे मैंने ऐसा धागा निकाला था भाई, बहुत ही मतलब मरते मरते बचा है भाई इसको। तो अभी मैं इसे हमारे पिजन्स में ऐड कर देता हूँ, और तो देखते हैं भाई अभी क्या रिएक्शन मिलता है हमारे पिजन्स का। चल भाई जा, होय होय भाई, ये तो कुछ मतलब ये नहीं कर रहा। तो भाई ये देखो यहाँ पे उड़कर ये अभी जा रहा है ऊपर, लग गया पिजन्स के यहाँ पे। ये जैसे ही सेट होगा मतलब 4-5 दिन हम इसे यहीं पे रखेंगे, और 4-5 दिनों के बाद मैं इसे छोड़ दूंगा
देखते हैं भाई, इसे आदत पड़ गई तो हमारे यही पे रहेगा, नहीं पड़ी तो भाई ये सीधा उड़कर उसके पुराने वाले मालिक के पास जाएगा। क्योंकि ना भाई मैंने उसके पैर में ना इसे रिंग देखी, तो भाई ये बहुत और बड़े पक्के होते भाई अपने घर के, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे रहेगा, बट ठीक है छोड़ देंगे। तो हमारा जो केज है भाई, इसे कुल्लूप वगैरह लगा कर पैक कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया पैक। शैतान को भी मैंने पैक कर दिया। कैसा बैठा है भाई? हो हम बचता है भाई, हमारा जो एलिगेटर गार है उसको मैं ढक देता हूँ। तो ठीक है, वो निकल भाई। यार क्या हो गया यार, ये ऐसा लगता ना भाई ये नहीं जी सकेगा, पूरा दम तोड़ दिया यार इसने तो। क्या करना चाहिए यार इसके लिए? ये भाई कुछ करता हूँ मैं इसके लिए यार। शिट, वाले दोनों ठीक है यार, देखो ये दोनों हर रहे, देखो इनको कुछ नहीं हुआ। हमारे जो गप्पी फिश है इनको इवनिंग का भी फूड मतलब मैंने चालू कर दिया, क्योंकि अभी ना भाई गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो अभी ठंड कम होने लगी, तो भाई अभी यार चलो कोई दिक्कत नहीं कम हो गई। तो भाई मैंने सोचा कि, और इनके छोटे छोटे बेबीज़ भी ना भाई, तो मैं इनको दो दिन में दो से तीन बार फीडिंग कर रहा हूँ, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में और एक इवनिंग में। होटल फिश ना साइड वाले स्लैब पे, उनको भी दे देते हैं उनका फीड, खुद कर वहाँ पे जाना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं जा रहा भाई। मैंने इस भाई को भी भेज दिया। और डाल भाई, बस 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 बस, कैसे आ गए देखो खाने के लिए। तो वहाँ पे ना मैं कैमरा ना पानी में डाल के देखता हूँ भाई, दिखते हैं या नहीं। चलो देखो ये देखो ये देखो ये देखो आगे देखो हमारे शॉर्ट टेल भाई साहब कितनी भाई भाई, ये तो पूरी ब्रीडिंग के इस पे आ गए यार। ओए होए 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 होए, तो 7-8 दिन से हमारे शकर फिश है ना भाई इसी टब में। तो मैंने सोचा ना भाई हमारा जो टर्टल का जो पॉन्ड है जो कि यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे आज क्या हुआ भाई, यहाँ पे हमारे जो टंकी ना फुल भर गई, तो यहाँ पे वो पानी थोड़ा गिरा है, तो मैंने सोचा कि भाई शकर फिश वहाँ पे मैं छोड़ दूँ। चलो भाई पकड़ते अभी, छोड़ देते जल्दी से जल्दी। मैंने यहाँ पे हमारे शकर फिश निकल ली, और मैंने भाई क्या सोचा कि ना डास मच्छर होंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे जो गप्पी फिश है ना वो भी ऐड कर देता हूँ वहाँ पे, मतलब डास मच्छर नहीं होंगे। सिर्फ 9 से 10 दिन वहाँ पे रखना है हमारा शकर फिश, बाद में हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, जो जैसा उनका पॉन्ड बना तो हम शिफ्ट कर लेंगे। अभी 10 से 15 दिन वहाँ पे शिफ्ट कर देते, 9 से 10 दिन हमारी जो मैंने गप्पी फिश है ना वो भी कैच कर ली। तो ये देख सकते हो हमारी व्हाइट टक्सीडो। तो चलो भाई भाई चल ये ले, चल जल्दी ले ले शक्कर, जल्दी ले ले, चल 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 चल। वाह भाई इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, मेरी फेवरेट फिश है। मन करता है ना यार इनके ही साथ में रहो। तो भाई चलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा अलगी उलगी का भी थोड़ा बहुत पानी है, और यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ हमारी गप्पी फिश। ये लो जी ये गई, और ये शक्कर पीस भी छोड़ देता हूँ। ये पूरी अलग ही खा जाएंगे भाई, कैसे चमक रहे है। आज का वीडियो मैं यही पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलते हैं। हमारे ना पोलर पैरेट के बेबीज है यहाँ पे ना, यहाँ पे ये दो नंबर वाले, और वहाँ पे ना एक है, वहाँ पे इधर 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 बेबीज है, और इधर वाले में ना एक है अभी, वो भी 1-2 दिन में हैच हो जाएंगे।